सभी सज्जनों को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ। राधाष्टमी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवान जब जब भी पूर्ण ब्रह्म के रूप में पृथ्वी पर मानव रूप में आते हैं तो उनकी जो आदिशक्ति हैं, अभिन्न शक्ति जो कि राधिका जी के रूप में जानी जाती, सीता जी के रूप में, पार्वती जी के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, अलग अलग भगवान के रूपों के साथ अलग अलग नाम लेकर करके पृथ्वी में जन कल्याण करने के लिए इस दिन अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जो भी भक्त लोग माँ भगवती राधिका जी की आराधना करते हैं, कोई लक्ष्मी की प्राप्ति, कोई पुत्र की प्राप्ति, कोई भगवान के दर्शनों के लिए आराधना करते हैं, माँ भगवती उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। सब तो पहला लुधियाना लाइव दे सारे दर्शकों नू श्री राधा अष्टमी दियाँ बहुत बहुत शुभकामनावां। आखिर इस साल 2023 दे विच श्री राधा अष्टमी कदों आ रही है और इसका की महत्व है, आओ जानते हैं पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी तो, जो कि BRS नगर दुर्गा माता मंदिर के हेड पंडित ने। सभी सज्जनों को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ। राधाष्टमी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का है, जो कि अभी मनाई जा चुकी आज से 15 दिन पहले, और कल का दिन राधाष्टमी का दिन है। वैसे राधाष्टमी आज लग गई, लेकिन उदया तिथि न होने के कारण आज उसका व्रत नहीं है। कल राधाष्टमी उदया तिथि पर है, 23 तारीख को, इसलिए धूमधाम से राधाष्टमी मनाई जाएगी। माँ भगवती राधिका भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं। भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जब जब भी पूर्ण ब्रह्म के रूप में पृथ्वी पर मानव रूप में आते हैं तो उनकी जो आदिशक्ति हैं, अभिन्न शक्ति जो कि राधिका जी के रूप में जानी जाती, सीता जी के रूप में, पार्वती जी के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, अलग अलग भगवान के रूपों के साथ अलग अलग नाम लेकर करके पृथ्वी में जन कल्याण करने के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं को, संतों को, अर्थात अपने भक्तों को परित्राण करने के लिए, उनको सुख देने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद महीना की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आए, ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो कि कल है 23 सितंबर को मनाया जाएगा। महाराज वृषभानु पूर्व जन्म में अति उत्कृष्ट तपस्या किया, माँ भगवती प्रकट हुई, उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा तो महाराज वृषभानु ने कहा कि आप हमारी पुत्री बन जाइए, मैं आपकी बाल्य लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए माँ भगवती ने तथास्तु कहा और समय आने पर, जो कि कल की तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, माँ भगवती ने महाराज वृषभानु के यहाँ जन्म लिया और अपनी बाल्य लीलाएँ की, भक्तों को सुख दिया। राधा अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जो भी भक्त लोग
माँ भगवती राधिका जी की आराधना करते हैं, कोई लक्ष्मी की प्राप्ति, कोई पुत्र की प्राप्ति, कोई भगवान के दर्शनों के लिए आराधना करते हैं। माँ भगवती उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करती हैं, संसार के भय से मुक्त करती हैं। इसलिए राधाष्टमी व्रत रहते हुए उनकी आराधना करना चाहिए, यही महात्म्य है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। सो कैमरा पर्सन मनोज के नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत। जय जय श्री राधे।